गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए मेरे एडीएनएम की सीडलिंग। मैं इसकी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं आपको इससे के बारे में जानकारी दूंगा कि अभी गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ गई है, तो हम हमारी जो एडीएनएम की सीडलिंग है उनकी देखभाल कैसे करें ताकि प्लांट ख़राब ना हो। क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट को थोड़ी सी गलती हो जाती है तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो आज इनके बारे में जानकारी दूंगा कि छोटी छोटी सीडलिंग की हम देखभाल कैसे करें, इसको गर्मियों में कैसे बचाएं, किस तरह वाटरिंग करें, इसको खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो बात आती है कि आपने सीडलिंग कौन से पॉट में की है, प्लास्टिक के, सीमेंट के या मिट्टी के गमले में। क्योंकि अगर प्लास्टिक के गमले में होगी सीडलिंग तो बहुत ही ज़्यादा केयर बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्लास्टिक इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो मिट्टी और सीमेंट होते वो ठंडे रहते हैं। इसीलिए जो मिट्टी या सीमेंट में लगे हुए हैं उसमें ज़्यादा केयर नहीं पड़ती, बस प्लास्टिक में ज़्यादा केयर पड़ती। प्लास्टिक का पॉट में आपने लगाई है तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ नमी बनी हुई हो, धूप थोड़ी सी भी ना लगे इनको, ऐसी जगह पे रख दीजिए। और आपके सॉयल मीडिया जो आपने सीडलिंग बनाई उनके ऊपर भी जाता है। वैसे तो आप सीडलिंग करने के लिए रिवर्स एंड जो आती है उसमें लगा सकते हो, पर इस टाइम गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है इसीलिए आप रिवर्स एंड के साथ साथ कोकोपीट का भी इस्तेमाल कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोकोपीट नमी बनी रहती है कोकोपीट में और उसी वजह से हमारे प्लांट अच्छे चलते हैं छोटे। तो ये हो गए पॉट की बात। अब इसको वाटरिंग हमें मिट्टी देख के करनी है। आपको मिट्टी सूखी दिखे, एकदम पूरी सूखने नहीं देनी, थोड़ी थोड़ी नमी बनी रहे वैसी रखनी है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दीजिए, या आपके यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो रेगुलर भी वाटरिंग कर सकते हो आप। इसमें पानी कम पड़ेगा तो इसको से वो ठीक से बन नहीं पाएगा और कोडेक्स अच्छा नहीं दिखेगा और प्लांट दिखे ऐसा हो जाएगा। मैंने निकाल के इसमें लगाया है, अलग अलग मीडिया में सीडलिंग की थी, एक रिवर्स एंड और कोकोपीट मिला के की थी, एक प्योर रिवर्स एंड में की थी, तो रिवर्स एंड का रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला था इस टाइम गर्मियों में। ऑलमोस्ट तो मैं रिवर्स एंड में ही लगाता था, बारिश में लगा हो या सर्दियों में, पर गर्मी की वजह से अच्छा नहीं मिला। तो मैंने बताया उस तरह आप इसकी केयर कर सकते हो। और खाद की बात करूँ, इसमें फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र इस टाइम कुछ फर्टिलाइज़र नहीं देना है, अभी तो एक मंथ हुआ है, वन मंथ जितना ही कंप्लीट हुआ है, और थोड़ा टाइम हो जाए इसके बाद 20-25 दिन बाद आप इसमें थोड़ा सा चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हो, ज़्यादा नहीं देना है। इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ओके फ्रेंड, बाय।